या ठिकाणी रिप्ले पाहिल्यानंतर लक्षात आले की या ठिकाणी त्यांचा कुठलाही भाग या ठिकाणी सीमारेषेला टच झालेला नाहीये, त्यामुळे थर्ड अंपायर डिसिजन दोन धावा या पळून काढलेल्या त्या या ठिकाणी स्कोर बोर्ड मध्ये ऍड केला जातील. कृपया लवकरात लवकर सुरू करायचंय. कृपया या ठिकाणी धन्यवाद मोहिते यांचा मोबाईल या ठिकाणी मिळालेला आहे. पुन्हा एकदा मी आपल्याला घेऊन जातोय ते मैदानाच्या दिशेनं. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी युट्यूब माध्यमाच्या ट्यूबच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी या स्पर्धेतील हा पहिला डिसिजन देण्यात आलेला आहे आणि अतिशय क्लिअर कट या ठिकाणी डिसिजन जो मिळालेला आहे तो कुठल्याही प्रकारचा क्षेत्ररक्षण करताना अवयव त्या क्षेत्ररक्षकाचा पाय लागलेला नाही अशा प्रकारे या ठिकाणी थर्ड अंपायरने जो डिसिजन दिलेला आहे तो दोन धावांचा. त्यामुळे पुन्हा एकदा दोन धावांनी युट्यूबच्या माध्यमातून या ठिकाणी विचारतोय मी दोन्ही आमच्या युट्यूब कॅमेरामनना विनंती करतो की त्यांनी पूर्णपणे व्यवस्थित ज्या प्रकारे आतापर्यंत आपण सहकार्य केलेलं आहे यापुढे देखील अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी लाईव्ह कास्ट करावं असं मी त्याला विनंती करतो. पुन्हा एकदा मी घेऊन जातोय त्या मैदानात. या ठिकाणी डेड बॉल घोषित करतायत पंच. पुन्हा एकदा अनवर गोलंदाजीसाठी तयार. पुन्हा एकदा मी आपल्याला घेऊन जातोय त्या मैदानात. संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 16 बिनबाद 16 अशी संघाची धावसंख्या. दोन्ही पंच या ठिकाणी कृपया लवकरात लवकर सामना सुरू करावा. अजूनही आपल्याला बरेच सामने खेळवायचे आहेत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपल्याला दोन डकआउट ठेवलेले आहेत. जे फलंदाजी करणारा संघ आहे त्याने कृपया डकआउट मध्ये येऊन स्थानपन्न व्हावं ही विनंती. पंचांचा स्वैर चेंडूचा इशारा. धावसंख्या ठिकाणे भर पडते. संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 17. पुन्हा एकदा पंचांचा स्वैर चेंडूचा इशारा. अवांतर धाव्यांशी संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होती ती 18 बिनबाद 18 अशी संघाची धावसंख्या. षटक चालू होते दुसरं. अनवर उजव्याचा वर विकेटचा मारा करतोय आणि त्याला सामोरं जाणार आहे तो मुनाफ नॉन स्ट्राईकला येतो अब्रार. आणि अकोट टप्प्याचा चेंडू छान पॉईंटच्या दिशेने चटवलाय. चेंडू थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण होतोय. त्या ठिकाणी चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक धावून जातोय आणि तिथेही गचाळ क्षेत्ररक्षण होतोय. चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या दिशेला. पंतांचा इशारा चौकाराचा. इस ओवर की अभी तक चार गेंदें हो चुके हैं. दो गेंदें बची हुई है. फिर एक बार अनवर दाहिने से ओवर द विकेट दौड़ते हुए इस ओवर की अगली गेंद. और इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे. गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गई स्लिप और गली पोजीशन पर. जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते एक रन को तो नहीं रोक पाएंगे. एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 23 पर. 23 फॉर द लॉस. टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया था माशाल्लाह टीम के कप्तान ने. और बल्लेबाजी को आमंत्रित किया था उस बल्लेबाज. दोनों सलामी के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर. और यह गेंद लेग साइड के ऊपर थी. इस गेंद को घुमाना चाहते थे. गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई थी लेकिन एक रन को नहीं रोक पाएंगे. दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर बदलते बाय के रूप में रन मिला. अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 24 पर बगैर किसी नुकसान के. दो ओवर की समाप्ति हुई. दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 24 फॉर दैट लॉस. दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है. दो ओवर की समाप्ति के बाद
टीम का स्कोर है 24 रन 24 फॉर विदाउट लॉस। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का फैसला किया था अनवर, जबकि हमारे स्कूल के जमाने में क्रिकेट खेलते थे उस वक्त काफी तेज गेंदबाजी डालते थे, लेकिन इस वक्त जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की काफी अच्छी तरह से गेंदबाजी का प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन दो अतिरिक्त रन दिए वाइड के रूप में। अभी गेंदबाजी करने के लिए अपना व्यक्तिगत पहला और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं मौलाना असीम, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और उनका सामना करेंगे अब्राहर, जबकि नॉन स्ट्राइक एंटर है मुनाफ। मुनाफ एक छक्का और एक चौको की मदद से काफी तेज बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अभी नॉन स्ट्राइक एंटर। गेंदबाजी करने के लिए असीम मौलाना गेंदबाजी करने के लिए तैयार, 5-6 कदमों का इनका रनअप है इस ओवर की पहली गेंद और काफी अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद डाली थी, बेहतरीन शॉट। गेंद आ रही है सीमा की तरफ और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, दो टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए लॉन्ग ऑफ। ब्लॉक होल में गेंद डाली थी, फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार मौलाना इस ओवर के दूसरी गेंद और ये बेहतरीन गेंद, कोई मौका नहीं था, काफी खूबसूरत गेंद थी और मिलर से मुखार दिया, गेंद ब्लॉक होल में डाली थी, यॉर्करलैन की गेंद थी और गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधी जाकर स्टंप पर टकराई और यह पहला विकेट गिरा, जबकि आउट होने वाले बल्लेबाज अब्रार, जिन्होंने हमारे स्कोरर हमें बता रहे हैं कि उन्होंने 8 रन बनाकर पैवेलियन वापस लौट रहे, नए बल्लेबाज मैदान पर जा रहे हैं, लेकिन तब तक सुनिए डीजे। जहां की जरूरी हो कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने आए, मिकी माओ आपकी काफी जरूरत है, यहां है, उधर ही है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है मौलाना मसूद, गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिना से ओवर द विकेट और ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे हुसैन, गन ने बल्ले का कोई किनारा लिया, देखना था अंपायर का इशारा क्या था, तब तक हम देख रहेंगे अंपायर का इशारा, लेग बाय का अतिरिक्त रनों के साथ टीम के स्कोर में इजाफा हुआ 1 रनों के साथ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 29 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अब्रार, जिन्होंने 8 रन बनाए और क्लीन बोल्ड होकर पैवेलियन वापस लौट चुके हैं, फिलहाल मुनाफ इस समय स्ट्राइक पर 9 सेकंड पर है हुसैन, गेंदबाजी का भार संभाले हुए असीम मौलाना। अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है, पहली गेंद के ऊपर 4 रन मिले थे, दूसरी गेंद के ऊपर उन्होंने बोल्ड आउट किया था, तीसरी गेंद लेग बाय के रूप में 1 रन मिली थी, इस तरह से 3 गेंदों में अभी तक 5 रन खर्च। बल्लेबाजी करते हुए जबकि दाहिने से ओवर द विकेट 5-6 कदमों का इनका रनअप है, दौड़ना शुरू किया है, विकेट पे पहुंचे और काफी बेहतरीन गेंदें डाल रहे, ब्लॉक होल पे गेंद डाल रहे, इस तरह से बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट खेलने का, फिलहाल 2 रन तो नहीं रोक पाएंगे, वहां गेंद जरूर गई थी लेग साइड पर, जब तक गेंद को फील करके थ्रो करते 2 रन तो भाग कर पूरे कर चुके हैं, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 31 पर 31 एक विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने से ओवर हो गई ओवर की अगली गेंद और फिर एक बार अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया है लेफ्ट साइड पर, जब तक गेंद को गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, यष्टिरक्षक ने गेंद को गैदर किया बगैर किसी रन के, जबकि ये इस ओवर की आखिरी गेंद होगी, फिलहाल टीम का स्कोर है 31 रन 31 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की और इस मैच की ये पहले इनिंग की आखिरी गेंद और उनका सामना करेंगे मुनाफ, काफी अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हैं, लेग साइड पर गेंद को घुमा दिया है, देख रहा है गेंद के नीचे क्षेत्ररक्षक आ रहे हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं की और बेहतरीन कैच, इस तरह से आखिरी गेंद के ऊपर सफलता मिली, ओवर की समाप्ति हुई, पहले इनिंग की समाप्ति हुई, टीम का स्कोर है 31 रन और जीत के लिए 32 रनों का लक्ष्य रखा है निर्धारित 3 ओवर में, यानी जीत का
अगर जीतना है तो 18 गेंदों में 32 रन बनाने होंगे जीत के लिए। फिलहाल अजगली और मेटे की तरफ से जो प्रीमियर लीग खेली जा रही है ये चौथा पर्व की ये आज का आखिरी दिन और इसके बाद शाम को ग्रैंड फिनाले का मुकाबला खेला जाएगा। देख रहा है इस ग्रैंड फिनाले में कौन दो टीमें जाती है जबकि ग्रैंड फिनाले में आगे कुछ क्या कर होता है ये सुनाने के लिए के से ये इंडिया के अंदर हो या आउट ऑफ कंट्री हो सब जगह पर ये दिखने वाले हैं। ये छोटे छोटे खिलाड़ियों को मंच इस बार सजा के दिया हुआ है। इस अजगरी प्रीमियर लीग के अंदर हम मजा दे रहे हैं पर एक बार छोटे छोटे जो खिलाड़ी है वो बड़े स्टेज पर कैसे जाए इसलिए इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑर्गेनाइज करने वाली टीम ने मैनेजमेंट ने अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। अभी तक सक्सेसफुल टूर्नामेंट समझ हुई है और अभी तक शाम के सत्र के अंदर देखिए शाम के सत्र के अंदर एक बड़ा मुकाबला देखने मिलने वाला है। एक तरफ मुझे लग रहा है कि एजाज खिलट कर रखने वाले है तो दूसरी तरफ फकीर जैसा बल्लेबाज भी रहने वाला है। शाम के सत्र के अंदर बहुत मजा आने वाला है। कुटित जमना का इतस्तंभ पहात्रा अजगरी मेटा पेट में लीग 2023 पूर्व चौथा अपन पाते मित्रों एंड उमेद स्ट्राइकर्स के कैप्टन से गुजारिश है जैसे जल फील्डिंग सजाने है। वक्त बहुत ज्यादा है वक्त की कमी है और बहुत सारे मुकाबले की दबाकी है। 18 गेंदों के अंदर 32 रन बन रही है 32 रनों की जरूरत फिर से एक बार समीकरण बनने वाला है। समीकरण देखिए मैच के अंदर बने रह सकते हैं अगर इस टूर्नामेंट के अंदर बने रहना है तो 18 गेंदों के अंदर 32 रन डिपेंड करने पड़ेंगे तब जाकर इस ऐतिहासिक वाली मैदान के अंदर ऐतिहासिक वाली टूर्नामेंट के अंदर आप बने रह सकते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर देखिए आशा रह सकती है कि इस ट्रॉफी को उठाने इस चैंपियंस बनना है तो मैदान के अंदर आपको एक लड़ना पड़ेगा झगड़ना पड़ेगा तब जाकर इस मैदान के अंदर आप एक सक्सेसफुल प्लेयर बन सकते हैं। फिर से एक बार देखिए सलामी वीर मैदान के अंदर एम के माशाल्लाह की ओर से नूर और मोहम्मद कादरी जा रहे हैं। मोहम्मद कादरी की बात की जाए एक अच्छा खिलाड़ी फिर से एक बार मैदान के अंदर टाकिर हो रहा है जो कि प्रमाहिक बल्लेबाज मैदान के अंदर फील्डिंग की बात की जब पहली ओवर के अंदर पावर प्ले के अंदर गेंदबाज निकले गेंदबाज देखने वाली बात है किसके हाथों में गेंद थमाते हैं। बहुत मजा आने वाला है देखिए मैदान के अंदर मैच चलने वाली है। एम के माशाल्लाह वर्सेस आयन एंड उबेद स्ट्राइकर के बीच मुकाबला चल रहा है। बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर रगने वाला है सजने वाला है। देखिए मंच इस बार सजा हुआ है मंच के ऊपर पंच देना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार सर्व क्रिकेट प्रेमी मुन्नाइता मनापसंद स्वागत करतो मी सुहेद नादगावकर बैंड फ्रॉम दापोली वॉइस ऑफ सोंडेगर
क्षेत्र के मैदान के अंदर चर्चा हो रही है। दोपहर के सत्र के अंदर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जब चर्चा करोगे तो मैदान के अंदर आप चर्चे में रहने वाले है। अगर फील्ड की बात की जाए सर्कल के अंदर खिलाड़ी थर्ड मैन फाइनल की तरफ खिलाड़ी रखा है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी रखा है, मिड विकेट भी डाउन। लेकिन अगर बात की जब लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखा गया है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज देखिए मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए आ रही है। मुनाफ गेंदबाजी मार्ग पर आ रही है। देखिए अपने कोटे से पहली है तो टीम की ओर से पहली बॉल लेके आ रही है। देखने वाली बात है। देखिए परमाही गेंदबाजी है, सनावी वीर गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं। 18 गेंदों के अंदर 32 रन बनाने हैं। देखिए समीकरण बनने वाला है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मोहम्मद कादरी तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज देखिए मैदान के अंदर नूर आए हैं। अगर इस मैच को जीतना है तो पार्टनरशिप बनाने वाली है। फुल टॉस गेंद निकल रहे सीधा फील्डर के हाथों में, विकेट मिलने वाला है। पहली गेंद पर बड़े विकेट का पतन हो रहा है, एक बड़ी मध्य जाल में फंस रही है। कमोन डीजे के अंदर अचमा चंडे मनी पहली गेंद पर मोहम्मद कादरी बैक टू पवेलियन जा रहे हैं। एक बड़ा विकेट का पतन मार है। देखिए मैदान के अंदर आपको एक बड़े विकेट का जब विकेट मिलता है तभी गेंदबाज एक उत्साह से गेंदबाजी करता है। देखिए सेलिब्रेशन बनने वाला है मैदान के अंदर क्योंकि एक बड़े विकेट का पतन हो रहा है। एक बड़ी मट्टी जान में फंसी है, डगआउट की तरफ लौटे है बल्लेबाज। डगआउट के अंदर सन्नाटा होने वाला है क्योंकि मोहम्मद कादरी बैक टू पवेलियन जा चुके हैं। अब उनकी जगह सबने अगले बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होने वाले बल्लेबाज आसिम मौलाना हो रहे है। तो नॉन गेंदबाज मुनाफ गेंदबाजी करे पहली गेंद पर पहला विकेट। देखिए पूरी तरह से इस बार अच्छी गेंदबाजी करे, डाइट और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है अगर इस टूर्नामेंट के अंदर बनी रहना है। अच्छी गेंद अच्छा शॉट, फिर से एक बार गेंद मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल होने वाले। फील्डर मौजूद है, एक रन आसानी के साथ दूसरा लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलने वाला। अच्छी रनिंग मिड द विकेट मैदान के अंदर चल रही है, अच्छी रनिंग मिड द विकेट चीते के अंदर दौड़ लगाई है। दो रन के साथ आसिफ मौलाना ने अपना टीम का खाता खोला है, अपना खाता खोला है। देखिए रन संख्या कुल मिलाकर दो रन पर दो गेंदे फेंकी है। मुनाफ गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। देखिए अच्छे फिट से जगह के मिड विकेट मिड डाउन एक्स्ट्रा कवर की तरफ सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। देखिए पावर प्ले के अंदर आक्रमक होना बहुत जरूरी है, घातक बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। अगर असीम मौलाना की बात की जाए एक अच्छा बल्लेबाज मैदान के तरफ हो, इस बार विकेट मिल सकता है। गेंद कीपिंग की ओर फील्डर मौजूद है, एक रन मिलने वाला है। देखिए थर्ड मैन की तरफ गेंद ट्रैवल हो रहा था, एक रन मिलने वाला है। एक रन के साथ देखिए रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ने वाली है, रन संख्या कुल मिलाकर तीन रन पर जाने वाली है। पहली बार प्रगति पर चढ़ने दोपहर के सत्र के अंदर ये दूसरा मुकाबला प्रगति पर चल रहा है। लीग स्टेज का मुझे लग रहा है आखिरी मुकाबला प्रगति पर होने वाला है। इसके बाद हमें देखने वाले है एक दो सेमीफाइनल वाले मुकाबले देखने मिलने वाले, एक ग्रैंड फिनाले का मुकाबला और एक एलिमिनेटर देखने मिलने वाला है। फिर से एक बार उड़ाया है गेंद निकल रहे। देखिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, विकेट मिलने वाला है। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, बैक टू पवेलियन बल्लेबाज मोहसिन चल रहे हैं। संगीत के साथ डीजे मास्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा वर्क चल रहा है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के कैमरामैन मेरे साथ राइट हैंड में जुड़े हुए हैं और अच्छा कैमरा वर्क चल रहा है। लगातार टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से ये पूरा प्रोत्साहन पूरे खिलाड़ी की मैचेस ये अजगरनी मेटा फिर में लीग 2030 सीजन 4 हम सभी इस पर देखने वाले हैं। यूट्यूब लाइव के माध्यम से ये पूरा प्रोत्साहन पर देखने वाला है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज देखिए मैदान के अंदर दृश्य में और कैमरे के अंदर कैद होने वाले गेंदबाज मुनाफ है क्योंकि लगातार दो गेंदों के अंदर दो बल्लेबाजों को बैक टू पवेलियन भेज चुके हैं। अब उनकी जगह सामान्य बल्लेबाज उसामा
अच्छा शॉट गेंद इस बार सीमा रेखा की तरफ, गेंद ट्रैप होने वाले फील्डर गेंद के नीचे जा रही है, लेकिन सिर्फ बने के दर्शक और दर्शक बने के फील्डर कमॉन। के लिए इनाम आया है, अगर हर एक चक्के के ऊपर 200 रुपए का इनाम है। और इस्माइल भाई कादरी की भी तरफ से 100 रुपए का इनाम होने वाला है। हर एक चक्के के ऊपर देखिए इनाम लगने वाले हैं लगातार, क्योंकि आज का ग्रैंड फिनाले का दिन आप देख रहे हैं। अंतिम दिवस अंतिम सामना पंद्रह तो मित्रों कुटित का इतिस्तमा पहतरा अजगनी बेटा पिलबड़ी इस बार उड़ाया गेंद, गेंद रेडी है देखे सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, नौ रन पे गिरने वाली है। एक रन आसानी के साथ दूसरा लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलने वाला है। दो रन के साथ देखे लगातार रन संख्या बढ़ने वाली है, रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन पर जा पहुंचने वाली है। देखिए एक ओवर का खात्मा हो रहा है, एक ओवर के खात्मे के बाद 9 रनों पर स्कोर रुका हुआ है। देखिए उसामा के लिए लगातार इनाम लगने वाले, हर एक छक्के के ऊपर 200 रुपए का इनाम, इस्माइल भाई कादरी की तरफ से 100 रुपए, कुल मिलाकर एक छक्के के ऊपर 300 रुपए का प्राइज लगा है। देखने वाली बात है, देखिए मौका है और मौके के ऊपर चौका लगाना बहुत जरूरी है। देखिए मैदान के अंदर हीरो बनने का मौका है, हीरो बनने का मौका जब कब मिलता है, जब मैच आप जीता कर लेके जाने वाले हैं। एमके माशाल्लाह को अगर ये मैच जिताते हैं तो आप हीरो बनने का मौका मिलने वाला है। इस अजगनी मेटा प्रीमियर लीग के अंदर आप चमकने वाले है, जो रात में चमकने वाले सितारे दिन के अंदर चमकने वाले दिखने वाले है। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए देखे गेंदबाज कौन आता है, देखने वाली बात है। मैदान के अंदर समीकरण बनने वाला है, समीकरण देख एक ओवर का खात्मा हुआ, एक ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन पर है, दो विकेट के नुकसान पर मैदान के अंदर 12 गेंदे और 12 गेंदों के अंदर 23 रनों का समीकरण बनने वाला है। देखिए गेंदबाजी के लिए गेंदबाज जिन्होंने इससे पहले होने वाले मैच के अंदर महंगे साबित हुए थे, गेंदबाज सज्जाद आ रहे हैं। स्ट्राइकर बल्लेबाज देखिए आसिम मौलाना बल्लेबाजी कर रहे थे, नॉट स्ट्राइकर बल्लेबाज उसामा नजर आ रहे हैं। उसामा की बात की जाए, हार्ड हिटर बल्लेबाज, छक्कों के बादशाह कहा जाते हैं। इनको इनाम लगा है और इनाम के ऊपर देखने वाली बात है, इनाम हासिल कर पाते हैं। एक छक्के के ऊपर कुल मिलाकर प्राइज की बात की जाए 300 रुपए लगे है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज देखिए आसिम मौलाना है, तो गेंदबाज देख लिया, गेंदबाज सज्जाद आ रहे अपने कोटे से पहले है, टीम की ओर से दूसरी बार लेकर आ रहे है, दूसरी बार प्रगति पर होने वाली है। कुल मिलाकर 12 गेंदों के अंदर समीकरण 23 रनों का समीकरण बनने वाला है, 18 गेंदों के अंदर 32 रन बनाने हैं, तब जाकर इस मैच के अंदर बने रह सकते हैं। फिर से एक बार राइट हैंड ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, इस बार घुटना टेक, तमाशा देख, शॉट गेंद गेंद के तरफ, मिड विकेट के दिशा में एक रन बनने वाला है। एक रन के साथ देखिए रन संख्या बढ़ने वाली है, रन संख्या कुल मिलाकर जहां पहुंचने वाली 10 रनों पर देखिए समीकरण बनने वाला है। समीकरण 11 गेंदे 22 रनों का समीकरण बनने वाला है। मैदान के अंदर बल्लेबाज उसामा है, जब तक उसामा है तब तक मैच के अंदर बने रह सकते हैं, तब तक सांसें चलती रहती मरी है। मैदान के अंदर न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत के वक्त में खड़ा वो सबसे बड़ा होने वाला है। देखिए मुसीबत के संकट में गिरे हुए है, अब बाहर को निकलता है, देखने वाली बात है। फिर से एक बार 11 गेंदों के अंदर 22 रनों का समीकरण बनने वाला है। समीकरण मैदान के अंदर 22 रनों का बनने वाला है, 10 रनों पर रन संख्या रुके भी है। फील्डिंग की बात की जाए, मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी रखा है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी रखा है रफीक की तरफ से। देखिए पर सिक्स के लिए इस बार उड़ाया गेंद, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर आने वाले है, देखने वाली बात, इस बार विकेट मिल सकता है क्या, गेंद नौ रन में गिरने वाली है। देखिए दो रन मिलने वाले हैं, दो रन के साथ मैदान के अंदर सेंसिबल क्रिकेट चल रहा है। पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप को बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर मैदान के अंदर आप इस मैच के अंदर बने रह सकते हैं। रन संख्या बढ़ने वाली है, रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन पर जाने वाली है। देखिए मैदान के अंदर समीकरण बनने वाला है, समीकरण 20 रनों का ही। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज देखिए सज्जाद गेंदबाजी कर रहे हैं, टेरिस क्रिकेट .in के माध्यम से ये पूरा सामना पूरे इंडिया के अंदर हो या आउट ऑफ कंट्री हो, अच्छा कैमरा पर चल रहा है। इस बार उड़ाना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा आना बाकी है, अंपायर का इशारा देखिए पूरे दोनों हाथ आसमानों के तरफ, यानी व्हाइट का इशारा है। एक्स्ट्रा के रूप में और एक रन संख्या के अंदर एक रन जोड़ने वाला है, रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन पर, दो विकेट के नुकसान पर दूसरी बार प्रगति पर चल रही है। गेंदबाज देख ले, गेंदबाज हम सज्जाद को देख रहे हैं, सज्जाद गेंदबाजी कर रहे हैं इस ऐतिहासिक मैदान के अंदर। फिर से एक बार हम एक लीग देख रहे हैं, लाख मौला चिस्पर्दा पाते मित्रों, इस बार उड़ाया गेंद को, गेंद दिखते एक स्ट्राइक की तरफ,
लॉक ऑन की तरफ खिलाड़ी पहुंची थी, एक रन आसानी के साथ दूसरा लेना चाहते थे और दूसरा रन भी आसानी के साथ देने वाला है। लेकिन मैदान के अंदर सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बल्लेबाज को इस बार पहला मैच के अंदर बल्लेबाजी मिली है और लगातार कुल मिलाकर चार गेंदों के अंदर 10 रन बनाए हैं। एक इनफैक्ट देने वाली बल्लेबाजी चल रही है मैदान के अंदर, एक मैच विनिंग पारी खेलनी पड़ेगी उसामा को। फिर से एक बार चलते उसामा की तरफ, उसामा को इनाम लगाए पर सिक्स के ऊपर 400 रुपए का इनाम है। कुल मिलाकर देखने वाली बात है, इस बार उड़ाया गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ, देखने वाली बात है थर्ड मैन की तरफ गेंद ट्रैवल होने वाली, एक रन आसानी के साथ मिलने वाला है, एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होने वाला है। रन संख्या कुल मिलाकर जा पहुंचने वाली है इस बार 16 रनों पर रन संख्या जा पहुंची है। देखिए मैदान के अंदर समीकरण लगातार बनने वाला है, समीकरण 16 रनों का है। चार गेंदों की बात की जाए लगातार लाजवाब गेंदबाजी कर रही, टप्पे के ऊपर हाथ खोलने का मौका नहीं मिला है, अभी तक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। अगली के 10-12 कदमों के साथ इस बार असीम मौलाना उड़ाना चाहते हैं, लेकिन इस बार देखिए गेंदबाज चतुर है, चालाक है, पूरी तरह से बल्लेबाज चारों खारिज थे। पांचवी गेंद बिंद आ रही है मैदान के अंदर, रन संख्या कुल मिलाकर 16 रनों पर रुके। पहली ओवर के अंदर 9 रन खर्च किए थे, उसके बाद सज्जद दूसरी ओवर के अंदर बरकरार पर चल रही है और दूसरी के ओवर के अंदर सज्जद ने अभी तक 5 गेंद फेंकी है, 5 गेंदों के अंदर कुल मिलाकर 7 रन खर्च किए है। अपन पाते मित्रों लाख मोला स्पर्धा मान और सन्मान की स्पर्धा पाते हुए इस बार गेंद के तरफ एक्स्ट्रा कवर के तरफ खिलाड़ी पहुंचे थे, एक रन मिलने वाला है, एक रन के साथ देखिए स्ट्राइक रोटेट होने वाला है। रन संख्या देखिए मैदान के अंदर 2 ओवर के खत्मे के बाद बढ़ने वाली है, रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन पर जा पहुंचने वाली है। देखिए 17 रनों पर जब स्कोर आकर रुकता है क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के खेल के अंदर जब 17 रनों पर स्कोर रुकता है तब तब खतरे की घंटी बजती है, तब तक बल्लेबाज को खतरा जरूर रहता है। उसामा के लिए देखिए लगातार इनाम लग रहे, रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन पर जा पहुंचे हैं, 6 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर समीकरण बनने वाला है, अकरम कादरी की तरफ से उसामा के लिए पर सिक्स पर 200 रुपए लगने वाले हैं, लेकिन देखिए कुल मिलाकर 600 रुपए एक सिक्स पर लगने वाले हैं। देखिए मैदान के अंदर मैच खेड मधील सर्वात लोकप्रसिद्ध अशी अजगणी मेटे प्रीमियर लीग स्पर्धा ही येत्या 4 व 5 मार्च रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे। या स्पर्धेत खेळणाऱ्या सर्व खेळाडू, आयोजन कमिटी व संघ मालक यांना माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा, धन्यवाद, नमस्कार। अस्सलामु अलैकुम, हॅलो गायज, दिस इज मुबारक बंदरकर फ्रॉम ओमान, को फाउंडर मेंबर ऑफ AMPL अजगणी। मेरे तरफ से 4 और 5 को अजगणी के ग्राउंड पे होने वाले AMPL को ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माय ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑल द टीम्स, मिस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हाय गाइस, आई एम कैडेट फ्रॉम बाली इंडोनेशिया, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर AMPL सीजन 4 एंड गुड लक गाइस। इलियास अंबेडकर की तरफ से इनाम आ रहे, देखिए मौलाना के लिए अगर हर एक सिक्स पर 500 रुपए का इनाम है। अगर उस समय ये मैच अपने टीम को जिताते हैं तो हुजैफा गारे की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। देखिए लगातार इनाम लगने वाले हैं, मौलाना के लिए इनाम आया इलियास अंबेडकर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है पर सिक्स पर। देखने वाली बात है, देखिए 6 गेंदों के अंदर 15 रनों का समीकरण बनने वाला है। इस बार गेंद उड़ाया, गेंद के अंदर देखिए थर्ड मैन की ओर सीमा रेखा की तरफ, एक तरफ शाहरुख दूसरी तरफ सलमान, प्रतिदिन था फरार, मिलने की चार तो बेड़ा होगा पार, कमोन।
रनों का समीकरण बनने वाला है। मैदान के अंदर गर्मा गर्मी वाला मुकाबला चल रहा है। रन संग्राम पाते मित्रों अपन ऐतिहासिक अफगनी मैदान मे लाख मोहला स्पर्धा पाते मान और सन्मान की स्पर्धा पाते मित्रों। फिर से एक बार स्ट्राइक पर बल्लेबाज आसिफ मौलाना के लिए इनाम पर सिक्स के ऊपर 500 रुपया इनाम है। उसामा के लिए लगातार इनाम लगने वाले है। उसामा के ऊपर सभी की नजर है, सभी दर्शक उसामा के ऊपर बनाकर रखे है क्योंकि हुजैफा घारी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। तब जाकर मैच के अंदर जीताना पड़ेगा उसामा को, तब इनाम मिल सकता है। मैदान के अंदर फिर से एक बार जितने गेंदबाजी के लिए गेंदबाज साजिद गेंदबाजी कर रहे हैं। 10-12 कदमों के साथ गेंदबाजी मार्ग पर देखे, फील्डिंग में लगातार तब्दीली हो रही है। 5 गेंद 11 रनों का समीकरण बनने वाला है। धोनी पंचल विनंती है लौकर लौकर मैच में चालू करता है। धोनी पंच मैच लौकर लौकर चालू करते हैं। साजिद इस बार गेंद के तरफ पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है। गेंद चौके की तरफ ट्रैवल होने वाली एक रन आसानी के साथ दूसरे मिनट में लगे। गेंद दिखत रही इस बार दिखने वाली बात देखिए पूरी तरह से इस बार दोनों के साथ रन संख्या बढ़ने वाली, रन संख्या कुल मिलाकर जहां बढ़ने वाली 23 रन पर 9 रनों का समीकरण बन रहा है। 4 गेंदे और 9 रनों का समीकरण बनने वाले। गेंदबाज साजिद कर रहे हैं गेंदबाजी आखिरी ओवर के अंदर ज्याला हनमारी जी षटक म्हणतात त्या षटकात गोलंदाजी मार्गावर आपण गोलंदाज पाहतोय। साजिद गेंदबाजी मार्ग पर आहे। 4 गेंदों के अंदर समीकरण बनने वाला है। समीकरण फिर से एक बार उड़ाया गेंद को, इस बार सफल होकर वन बाउंस गेंद सी मारे कपार। मास्टर अच्छा काम कर रहे हैं, कैमरा वर्क अच्छा चल रहा है। मिकी माउस देखे इस मैच के अंदर नजर नहीं आ रही है। लंच ब्रेक आया है और डच के लिए गए है। फिर से एक बार जीते हैं मैच की तरफ। 3 गेंदों के अंदर समीकरण 5 रनों का बनने वाला। गेंदबाजी के लिए साजिद गेंदबाजी करे लेकिन एक इनफैक्ट दंडे बारी पारी मैदान के अंदर आक्रमक होने वाले बल्लेबाज आसिफ मौलाना चलते ही। फिर एक बार ओहो पाली में गेंद गेंद के अंदर सेट आई शॉट खेला है। एक रन मिलने वाला है। एक रन के साथ देखिए मैदान के दूसरा लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलने वाला है। देखिए खराब फील्डिंग कर रहे साजिद, विकेट मिल सकता था लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ देखिए रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन पर। 2 गेंदों के अंदर समीकरण 3 रनों का है। अगर इस मैच को जीतना है तो कंपल्सरी चेस करना पड़ेगा। 2 गेंदों के अंदर 3 रन बनाने पड़ेंगे तब जाकर इस टूर्नामेंट के अंदर बने रह सकते हैं। अपन पाहतो मित्रों एक मोटी स्पर्धा आणि मोटी स्पर्धा मध्ये आपण चांगली फलंदाजी करता था मित्रों। अपन पाहतोय मित्रों आसिफ मौलाना बल्लेबाजी कर रहे मैदान के अंदर। देखिए 6 गेंदों के अंदर 17 रन बना है। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मैदान के अंदर। देखिए अगर इन बल्लेबाज की बल्लेबाजी अच्छी लगी तो टारियों के साथ इस खिलाड़ी को सम्मान देना है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार 2 गेंदे समीकरण बनने वाले 3 रनों का। ओहो अच्छी गेंद इस बार देखने वाली बात है। इस बार अंपायर का इशारा आना बाकी है। अंपायर का इशारा आना बाकी है। अंपायर डिसीजन बिल्कुल लास्ट डिसीजन रखने वाला है। देखिए मैदान के अंदर एक छोटा सा ब्रेक लीजिए मधुर संगीत के साथ। कमांड लीजिए
बंदर के द्वारा एक गेंद और दो रनों का समीकरण बनने वाले बंदर के अंदर फिर से एक बार चलते हैं और अच्छे मैच चल रहे हैं। एक गेंद और दो रनों का समीकरण अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन होने वाला है। अपन पाहतो एक मोठी स्पर्धा मित्रांनो लाख मोलाची स्पर्धा पाहतोय आणि मान आणि सन्मानाची स्पर्धा पाहतोय। एक गेंद और दो रनों का समीकरण है। देखिए मैदान के अंदर बल्लेबाज उत्साह बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग में सोच करने पड़ रही है। मुजाहिद घारी की तरफ से हजार रुपए का इनाम है। देखिए मैदान के अंदर लगे तरह इनाम लगने वाले है। एक गेंद और दो रनों का समीकरण है। फिर से एक बार सबके दिल में और सबके इस बार दिल धड़कने वाले है। मैदान के अंदर हार्ट बीट बढ़ने वाले है क्योंकि एक गेंद और दो रनों का मैच मैदान के अंदर क्लोज मैच चल रहा है। रन संग्राम मैदान के अंदर गर्मा गर्मी वाला मुकाबला। देखिए सूरज पूरी तरह से इस बार खिल चुका है, मैदान के अंदर धूप बढ़ चुका है, लेकिन मैदान के अंदर एक दूसरे के साथ झुगट रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक गेंद और दो रनों का समीकरण है। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए साजिद स्ट्राइक पर बल्लेबाज उसामा। अच्छी गेंद इस बार एक रन आसानी के साथ मिल जाए, दूसरा रन लेना चाहते हैं। देखने वाली बात है दूसरा रन आसानी के साथ मिल रहा है, देखने वाली बात है। और दूसरा रन भी आसानी के साथ, और इसी के साथ ये मुकाबला एम के माशाल्लाह ने मुकाबला जीता है। उसामा ने इस बार मैच को जीता है पूरी तरह से, देखने वाली बात है। लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला देख रहे थे और इस मुकाबले के अंदर हम मैच बनने वाले खिलाड़ी असीम मौलाना बन रहे हैं। फिर से एक बार इस मैच के मैन ऑफ द मैच 18 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए दो विकेट झटके हैं।